गाइज़ वेलकम बैक टू माई फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और अभी मैं ऑफिस में हूँ, तो मैंने आज का ब्लॉग यहीं पे स्टार्ट कर दिया क्योंकि वैसे भी लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है घर पे और वाईफाई पे। कल तो मैंने जिम में ब्लॉग बनाया था, आज देखती हूँ। और आज का ब्लॉग इससे रिलेटेड रहेगा। तो ये रही मेरी फ्रेंड, हम लोग अभी जा रहे हैं, नीचे आए हैं जूस पीने के लिए। तो दिखाते हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, पहले कभी बाहर नहीं आए थे, मतलब ऐसे साथ में, क्योंकि ब्रेक साथ में नहीं मिलते हम लोग को। तो फिर चलिए दिखाते हैं, बहुत कम है टाइम हमारे पास, ओनली 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स में फटाफट पीना है जूस, फिर जाऊंगी ऊपर, फिर एक घंटा उसके लॉग आउट करूँगी। ये बहुत अच्छी है। और गाइस ये अभी बहुत बच्ची है, अभी बहुत छोटी है। इतनी छोटी में देखो, आप लोग भी इंस्पायर रहो, इतनी छोटी में ये काम कर रही है। इसका ओनली 18 साल है अभी बस। तो लोग बहुत अच्छे भी हैं और बहुत लोग बेजिम्मेदार भी रहते हैं। जूस वो लोग भैया कर दिया मैंने पेमेंट, अभी आए हम यहाँ पे जूस पीने, ये फिर उसके जाएंगे ऑफिस सामने रहा। तो गाइज ये हम पी रहे हैं जूस, उसके बाद जाते हैं फिर। हेलो गाइज, ऑफिस से मैं घर आ गई, उसके बाद फिर मैं गई जिम, किया मैंने आज लेग वर्कआउट, काफ़ी अच्छा रहा लेग वर्कआउट। और उसके बाद लाइट वगैरह आ गई है क्योंकि पूरे दिन नहीं थी, कल आफ्टरनून में नहीं था, आज दिन में नहीं था, तो लाइट है। और मेरा वाईफाई ख़राब हो गया था, वो भी मैंने ठीक कराया, मतलब एक साथ सारी प्रॉब्लम आ गई थी एक ही दिन में, फिर वो सही कराया। और उसके बाद फिर किया मैंने वर्कआउट और आ गई मैं घर, फिर सारा काम वगैरह करके नहा धो ली। अभी मैं अब ब्लॉग शूट करूँगी, देन उसके बाद फिर जो डेली का काम रहता है वो करना है। तो गाइज़ आपने देखा कि मैं आज मॉर्निंग में, मतलब इवनिंग में ही ब्लॉग अप वो कर दिया था मैंने स्टार्ट ऑफिस में। तो हम लोग नीचे जा रहे थे और आपको मैंने बताया कि वो जो मतलब मेरे साथ जो काम करती है तो वो ओनली 18 की है गाइज़, और वो टेक भी है क्योंकि स्टडी भी कर रही है साथ में और प्लस जॉब भी कर रही है। तो देखो कितना हेल्पफुल है, एक तरीके से बोलो तो हेल्पफुल है, एक तरीके से बोलो तो हेडेक भी है, काम भी बहुत ज़्यादा करना होता है, जितना मैं काम करती हूँ उतने काम करते हैं। बट उनकी सैलरी, उसकी सैलरी अभी कम है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा क्योंकि आप लोग को पता है टेक भी को इवन कम सैलरी ले देते हैं, इसलिए ताकि वो स्टडी में भी उधर पैसे पे करते हैं तो वो मैनेज होता है। और उसके बाद आप लोग भी अगर टेक भी हो तो जॉब करोगे, अगर 12th पास हो जॉब करोगे तो आपको ऐसे काम करना पड़ेगा, अब प्रॉपर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बेनिफिट दिया जाएगा कि आप टेक भी हो तो आपको मतलब 9 घंटे के बदले 7 घंटे 8 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। देखो आपको कोई सच नहीं बताएगा क्योंकि मैं सोचती हूँ ना, आपको हर एक चीज़ कॉरपोरेट की पता हो जाना चाहिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता। लोग अगर प्रॉब्लम करते हैं या फिर मिस्टेक्स होता है तो वो सिर्फ यही होता है कि लोग को नहीं पता होता है, तो ये चीज़ आप ना करो। इसलिए मैं ये सब चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा, और कोई भी आपको इतना अंदर तक की बातें या फिर ट्रुथ नहीं बताएगा तो फिर आप लोग ऐसे ब्लॉग देखते रहो, सपोर्ट करते रहो। और जो भी आपको क्वेश्चन जानना है टेक बी से रिलेटेड, जीटी से रिलेटेड, ऑफिस कॉर्पोरेट, कुछ भी, आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं ज़रूर शेयर करूँगी और बताऊँगी भी। तो गाइज आज का ब्लॉग तो वैसे कुछ खास नहीं है, आज का टॉपिक कोई टॉपिक नहीं है, मैं बस आप लोग को, कुछ आप लोग ने कॉमेंट्स किया था मैं उसका बस एक रिप्लाई कर देती हूँ। आप लोग पूछे थे कि मैम एससीएल में जो है अगर हम जीटी हैं तो क्या हमें कितना घंटा काम करना होता है, प्लस वीक ऑफ किस दिन होता है। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, तो मैं सोच रही आपको अगर मैं रिप्लाई करूँगी तो वो नहीं हो पाएगा उतना और फिर समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं आपको वीडियोस में अपडेट कर देती हूँ कि कितना टेक बी और जीटी और एक्सपीरियंस जो होते हैं उनका सेम होता है, वीक ऑफ या फिर काम कितना होता है, तो मैं आपको वो सब चीज़ें अभी डिस्क्लोज करूँगी। जो लोग गाइस मेरे चैनल में नए हो वो लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और फिर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जीटी हो, टेक भी हो या फिर फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस हो, सबके लिए वर्क टाइमिंग सेम है, वीक ऑफ भी सेम है, 2 दिन वीक ऑफ सबको मिलेगा एससीएल में अगर आप काम करते हो किसी भी लोकेशन पे, और किसी भी, हाँ बस किसी भी लोकेशन पे, किसी मतलब मल्टीपल लोकेशन है आपको पता है, तो किसी भी लोकेशन पे। और फिर उसके बाद टाइमिंग और वीक ऑफ ये सेम रहेगा, वो डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट पे।
आपको पता है कि आप जब आईटी में आ रहे हो तो शिफ्ट रोटेशनल चलती है, वीक ऑफ रोटेशनल चलता है, और हाँ वीक ऑफ भी रोटेशनल चलता है। तो ये दो चीज़ मेन है। आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे रहोगे तो आपको शिफ्ट भी रोटेशनल करना पड़ेगा और वीक ऑफ भी रोटेशनल होगी। मोस्टली तो सैटरडे संडे वीक ऑफ होता है, बट जनरली क्या करते हैं ये स्वैप करते रहते हैं, मतलब शिफ्ट चेंज करते हैं, तो उसके साथ ना वीक ऑफ भी चेंज करते हैं। मंडे ट्यूसडे हो जाता है, थर्सडे फ्राइडे हो जाता है, तो आपको सैटरडे संडे वर्किंग करना पड़ेगा। अगर ये सैटरडे संडे ट्रस्ट में काम बहुत कम होता है, आप रिलैक्स ही रहोगे, मतलब बैठे रहोगे पूरे दिन। तो ये है। बाकी मैं प्रीवियस प्रोजेक्ट में थी तो फिर मैं मतलब वर्क फ्रॉम होम की थी सैटरडे संडे को, क्योंकि सैटरडे संडे को ऑफिस बहुत कम लोग आते हैं, तो मैं घर पे ही काम कर रही थी। और मैं मतलब बोलो तो पूरे दिन लैपटॉप में ऑन करके छोड़ दिया, उसके बाद मैं चली गई मूवी देखने। 3 से 4 घंटे की मूवी थी, उस टाइम आई थी अर्जुन वाली, ये क्या तो नाम है मैं भूल गई हुई, अर्जुन वैली वाला जो मूवी है ना वो देखने गई थी सैटरडे को। तो ऐसे चलते रहता है, सैटरडे संडे बहुत कम काम होता है, रेयर केस होते हैं, किसी किसी प्रोजेक्ट में होता है वरना नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली लोग वीक ऑफ पे होते हैं उस दिन। तो ये है, आपको टाइमिंग भी सेम है, 9 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर आप डिस्टेंस पे हो, कैब से जाते आते हो, तो फिर आपको 11 से 12 घंटे हो जाएंगे, 11 घंटे हो जाएंगे। अगर आप पास में हो तो फिर आपको 9 घंटे, 9.5 घंटे मैक्सिमम होती है। जब हम टाइम शीट फिल करते हैं तो उसमें भी 9.5 घंटे ही है, तो 9.5 घंटे टेक भी है, जीटी वाले भी सेम काम करना पड़ता है। वही देखो, एक चीज़ अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है जीटी वालों को या फिर टेक भी वालों को, जीटी वालों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है गाइस, टेक भी वालों को मिल रहा है। अगर आपको ये कॉलेज करा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं 1% लॉस हो रहा है, वो हो रहा है आप स्टडी नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी, और स्टडी में प्रॉब्लम हो रहा है आपको, प्लस आप फोकस नहीं कर पा रहे हो खुद से, तो वो चीज़ प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है, बट लोग मैनेज कर लेते हैं। और शिफ्ट सेम है, रोटेशनल रहेगा, वीक ऑफ भी सेम है, और उसके बाद टाइमिंग भी सेम है, हमारा टाइमिंग भी सेम है, आपका भी सेम है। देखो मैंने भी टेक किया है, तो मैं भी सेम वर्क कर रही हूँ इन लोग के साथ, जो 12th पास है वो भी हमारे साथ कर रहे हैं। तो गाइज एक चीज़ हमेशा माइंड में सेट रखो, जो हम कॉरपोरेट में आते हैं, जो हम बी टेक करते हैं या फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन करते हैं, हमें सिर्फ एक कहते हैं ना डिग्री मिलता है, हमें रास्ता दिखता है अंदर जाने का, तो वो सिर्फ जरिया है एक आईटी में आने का, और कुछ नहीं है, नथिंग। हाँ कि थोड़ा वो टेक्निकल आपको बैकग्राउंड अच्छी हो जाती, स्ट्रांग हो जाती, टेक्निकल चीज़ें सीख लेते हो तो वो मस्त है। और मैं एक एडवाइस दूंगी आप लोग को कि कोशिश करना डिस्टेंस कोर्स ना करने का, आप कोशिश करो कि रेगुलर कोर्सेज कर ले। रेगुलर करोगे तो आपको चीज़ें नॉलेज ज़्यादा होगी कॉलेज, क्योंकि 9 घंटे 9.5 घंटे की होती है तो वो भी आपको हैबिट हो जाएगा, और ऑफिस भी 9.5 घंटे की होती है तो वो भी आपको हैबिट हो जाएगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। और गाइज आप लोग पूछ रहे थे कि जीटी टेक बी वालों के लिए वर्सन टेस्ट कैसा होता है, क्वेश्चन क्या आते हैं, तो इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस बनाई हूँ, मेरा प्रीवियस ब्लॉग चेक करो गाइज। ऐसा क्या चीज़ नहीं होगा जिसपे मैं वीडियोस नहीं शेयर की हूँ, तो हर एक चीज़ मैं जो मेरे माइंड में आता है या फिर आप लोग का जो क्वेश्चन होता है या फिर जो मैं रिसर्च करती हूँ, मैं सब पे छोटे छोटे ब्लॉग बना देती हूँ, तो आप चेक कर सकते हो, कभी भी क्वेश्चन कर सकते हो। और वैकेंसी की SCL में हायरिंग तो आपको पता है कि चल रहा है, बट अभी थोड़ा प्रोजेक्ट का इशू है, तो अभी ना हो तो बेटर है, कहीं और ट्राई करो। TCS में बहुत अच्छी हायरिंग चल रही है, गुड़गांव लोकेशन पे और नोएडा लोकेशन पे, तो ट्राई कर सकते हो गाइस ट्रस्ट पे। और अगर आपको नहीं करना है तो सॉरी, आपको अगर नहीं मिल रहा है कोई ऑफिशियल लिंक या फिर कुछ नहीं पता चला, तो आप मुझे कमेंट्स करो करें सॉरी मैसेज करें लिंक्डइन में या इंस्टा में, मैं प्रोफाइल शेयर कर दूंगी आगे, आप मुझे अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते। दैट्स इट गाइज, यही है हमारी कॉर्पोरेट लाइफ, हम ऐसे लाइफ जीते हैं। और गाइज मस्त है, आप जॉब करो ठीक है चलेगा, बट जिम करो बिल्कुल, जिम बहुत अच्छी थेरेपी है। मैं सोचो सुबह 5:30 पे उठती हूँ और उसके बाद मैं जिम जाती, सॉरी सुबह ऑफिस जाती हूँ, सारा काम करके खाना वगैरह बना के एवरीथिंग, पूरे दिन 9 घंटे ऑफिस में एक चेयर पे बैठे रहती हूँ, उसके बाद वहाँ से आके मैं अगर जिम नहीं जाऊँ ना तो मेरी बॉडी लगे कि बिल्कुल मुझे हरास हो रहा है, तो मैं जिम होके आती हूँ, उसके बाद अभी रिलैक्स बहुत फील होता है, तो इसलिए जिम बहुत अच्छी चीज़ है। आप योगा करो, जिम करो, बट करो। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।